Yes, a very good morning to all of you. Funny sixth. We were revising linear equation chapter number 4th, exercise 4.2 was going on. That is 2/3 question of 4.2. We are given an equation x minus 3y. X minus 2y is equal to 4. And we have to check that which of the following, they are the solution of the given equation. So I'm going to check it for third part, 4, 0. Hanji Ritika, how to check that this is solution? Put x is equal to 4 and y is equal to 0. And look at the left hand side. So when we are putting x is equal to Harshit, go to that bench, last bench. Hurry up, we don't have much time. गोपाल जरा देख के आओ, हृदय कहाँ है? यस, डॉट में. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 0, वी आर गेटिंग द आंसर टू बी 4. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो इफ वी सी द राइट हैंड साइड, दिस इज आल्सो 4, राइट? सो व्हाट वी सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू. Therefore, the given ordered pair is the solution of given equation. One more part I am taking, fourth part. Root 2, 4, root 2. Just current, kaise check karenge isko? Ki iska solution hai ke nahi? Ek aapke samne kiya hua, usko dekh ke bata do. This I did in front of you. उसको उससे गाइडेंस लेके बता दो कैसे पास होना बेटे. कुछ फायदा नहीं है क्लास में आके बैठने का अगर हम सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे. अगर हमारा स्कूल आने का टारगेट ही नहीं अचीव हो रहा कि हम पढ़ने आए यहाँ पे. वो सिटिंग, ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड. सर यू सिट, यू सिट प्लीज. यस, दिस इज टू बी चेक, सोल्यूशन है कि नहीं. कैसे चेक करेंगे जिस कर इतना गुस्सा डस्टबिन में? कैसे चेक करेंगे? एक मिनट, इतना भी मत उसको घूरो कि वो भसम ही हो जाए. उसी को घूरी जा रहा है. एक्स की वैल्यू 2 तो कहीं भी नहीं है. हर्षित आप बताओ कैसे चेक करेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं? बॉयज एट द बैक, क्वाइट. क्या रूट 2? एक्स की वैल्यू रूट 2. अर्शित फिर कुछ नहीं आता जाता, कैसे पास हो गए आप? एक्स की वैल्यू रूट 2, वाई की वैल्यू 4 रूट 2. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, x is root 2 and y is 4 root 2. This becomes root 2 minus a root 2. Now they are same roots under same number under the root, so we can subtract them. So this is 8 root 2, 7 root 2 will become 7 root 2, but 8 is bigger, that's why minus 7 root 2. If we see right hand side, this is equal to 4. Left hand side is not equal to right hand side. Therefore, this is not the solution.
बेटे मैथ्स का पेपर होना है, ड्राइंग का नहीं। आप ड्राइंग कर रहे हो, कॉपी नाम भूल जाता है अपना। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज दिस करंट बिहेवियर सेल्फ यू आर सिटिंग इन द क्लास, कम से कम तब तो पढ़ लो जब मैम पढ़ा रहे हैं। वैसे तो हमने पढ़ने पढ़ाई से बना कोई मतलब ही नहीं है, तब तो सुन लो शायद हम पास हो जाए। सो व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर गेटिंग 7√2 व्हाइल द राइट हैंड साइड इज 4, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, find k if x is equal to 2 and y is equal to 1, please meko dikhya aa gaya, I will talk to him afterwards. X is equal to 2 and y is equal to 1 is solution of 2x plus 3y equal to 4 equal to k. Find the value of k so that x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of this equation. Haan ji Lavanya, kaise start karenge? Please quiet. How to start? Lavanya, I'm talking to you. Kya value put karenge? Baitho. As this is solution, so when we will replace x by 2 and y by 1, both the equation will remain the same. Put kar do. X ko 2, y ko 1. K comes out to be 7. Next, we did graph of linear equation in two variables. Let us learn about the concepts behind the graph of the linear equation. मैंने अगर किसी को बात करते देख लिया ना, ही और शी विल आउट ऑफ द क्लास फॉर द होल सेशन, आई एम टेलिंग यू। ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हेनेवर वी कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, इन दिस फॉर्म ऑल्सो, स्लांट भी हो सकती है, इन एनी वे द लाइन इज, बट इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी हमारे पास ऐसे बेंटेड लाइन नहीं आएगी, कभी भी हमारे पास ऐसे कर्व नहीं आएगा, वी विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। एंड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वी ऑलवेज नीड पॉइंट्स। जब भी हमने टू वेरिएबल्स की इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, वी नीड पॉइंट्स। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ मींस इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। टू डायमेंशनल में है तो ग्राफ के लिए ऑर्डर्ड पेयर में पॉइंट्स आएंगे, यानी कि x आएगा उसके साथ y होगा एंड अकॉर्डिंगली you will put the values of x and corresponding values of y you will get. x की वैल्यू पुट करोगे, corresponding values of y आपके पास आई जाएंगी और आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। और आपको पता है जब आप x की वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करते हो, उसको इक्वेशन का क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली वी मीन टू से दैट व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन वी नीड इट्स सॉल्यूशंस। हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। सो वी कैन से दैट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन देयर ऑलवेज लाई डैश ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
solution of the equation always lies on dash of the equation, graph of the equation. ग्राफ पे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन किस पे? ग्राफ पे. ठीक है. सो कुछ भी आ सकता है. आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर ड्राइंग ग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस दे लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. दैट मींस व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ वी नीड टू फाइंड सर्टेन पॉइंट्स. कैसे वो पॉइंट्स फाइंड करते हैं? आपको पता है सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मैनी होते हैं, तो इसका मतलब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स इनफाइनाइट मैनी है. But I told you that maximum four points, minimum four points you have to take. कम से कम four points आपने लेने हैं graph plot कर draw करने के लिए, so that you get the exact picture or clear picture of the graph. Right? बन तो बेटे two points से भी जाएगी, but थोड़ा सा picture को और exactly देखने के लिए हम four points लेते हैं. ठीक है. चलिए क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं ग्राफ से रिलेटेड. एंड इफ ए लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, सपोज एक लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, देन दैट पॉइंट विल डेफिनेटली लाई ऑन द, इफ ए पॉइंट लाइज, इफ ए लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट दैट पॉइंट विल डेफिनेटली लाई ऑन द लाइन के कहां पे? ग्राफ पे. अगर कोई लाइन एक पॉइंट में से पास करती है तो वो पॉइंट हमेशा लाइन के ग्राफ पे लाए करता है. ठीक है. चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. किसी भी तरह से घुमाया फिराया जा सकता है चीजों को. इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको अपनी नॉलेज और जो डेफिनेशन जो कॉन्सेप्ट आपने किए हैं उनके साथ डील करवाते हो. चलिए 4.3 एक्सरसाइज. Look at the third part. The equation is y is equal to 3. But अभी तो समझ आनी चाहिए कि मेरा पढ़ाई की तरफ ध्यान होना चाहिए. लास्ट बेंच अभी भी आप फंस रहे हो क्लास में बैठे. किसी ने आपको पास नहीं करना इफ यू आर फेलिंग. Draw the graph of y is equal to 3x. तो हमें पॉइंट सबसे पहले तो फाइंड करने हैं, राइट? सो इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा आपको. दो पॉइंट हमेशा फाइंड कर लो when x zero, y zero. x को जीरो पुट करो, y यहाँ पे जीरो आ गया. अगर y को जीरो पुट करोगे तो x जीरो आ जाएगा. ठीक है. टेकिंग x टू बी वन, y इज थ्री, टू सिक्स. Four points we are having. So let us plot. बेटे शो करने की तो बात ही खत्म हो गई. अब शो ऑफ खत्म कर दिया ऑब्जेक्टिव पेपर ने. वो कहते सीधे साधारण से लोग आ जाए. ठीक है. जो ज्यादा शो ऑफ करते हैं उनको बाहर कर दिया. ठीक है. चलो तो हमने इसको अब जो है प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को एंड वी विल गेट अ ग्राफ. पहले हम कहते थे शो करना है सजा सजा के, राइटिंग एंड ऑल दैट. अब राइटिंग गई तेल लेने. किसी को नहीं, बस राइटिंग के कोई फर्क नहीं पड़ता. अब बिंदियां लगानी. हाँ जी. यस. The points plot are to be plotted as 0, 0, second 1, 3, then 2, 6, then 3, 9. अब कुछ बच्चे कहते हैं ग्राफ तो का तो कुछ मतलब ही नहीं है. ग्राफ में से कैसे एमसीक्यू आ जाएंगे? जैसे आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है. ही कैन आस्क फ्रॉम दिस ग्राफ राइट टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. फ्रॉम द अबव ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इक्वेशन इज, आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं 5, 6, 2, 9, 3, 6 एंड ऑल दैट. तो आपने जो पॉइंट ग्राफ पे होगा वही सॉल्यूशन होता है. इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यू विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो ग्राफ में से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड.
Second question is, give the equations of two lines which are passing through 214. How many such lines are there and why so? 214 से पास करती हुई दो लाइंस की इक्वेशन. लाइंस शुड पास थ्रू 240. आई टोल्ड यू यू जनरेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल ऑटोमेटिकली बी जनरेटेड. सपोज आई एम एनी एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई एम राइटिंग. सपोज आई एम राइटिंग 3x plus 2y. If I'm writing 3x plus 2y, right hand side I have to write. Now line should pass through this point. That means ये point line के ऊपर आना चाहिए. कैसे आएगा? अगर हम इसको line के ऊपर बिठाएंगे तभी आएगा. तो x की जगह पे आप 2 put कर दो and in place of y you put 14. 6 plus 28, this is 33. This is the line which passes through the point 240. Now we have to construct one more of a 2, 3 कितनी भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है पेपर में. One line of passing through 214 is this, but will be the equation of the other line passing through this. तो वो आपने वहां से निकालनी है दूसरी लाइन. अब यहां से देखें, अगर 3x plus 2y equal to 34, आप कोई भी expression x and y में जो है वो लो. Suppose I am taking x minus 5, so then x is to be 2, x की value 2 and y की value 14, minus करके. This way you can write infinite many lines which passes through the point 214. अगर जीरो लगा दिया तो देख लो ये 214 से पास करेगी. बेटे इक्वल टू उसी के करना है जो आंसर आएगा, तभी वो लाइन उस पॉइंट में से पास करेगी. जीरो अगर सेम नंबर माइनस सेम नंबर हो जाए फिर आएगा जीरो. जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ 7x माइनस वाई. अब देखो 7 × 2 = 14 माइनस 14 जीरो. ये नहीं मैंने कहा कि जीरो ही आना चाहिए, कोई भी आंसर आ सकता है अकॉर्डिंगली. और ये भी नहीं मैंने कहा कि जीरो नहीं आना चाहिए. इक्वेशन अपनी तरफ से लेफ्ट हैंड साइड जो मर्जी लिखो, राइट हैंड साइड आपका आंसर आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हो. इज इट क्लियर? सो ही सेज हाउ मेनी सच लाइन यू कैन हैव इनफाइनाइट. क्योंकि एक पॉइंट अगर यहाँ पे हो ना तो उसमें से हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट. एक पॉइंट से जैसे कि आप देखते हो कि सन इज अ ओरिजिन एंड फ्रॉम सन इनफाइनाइट मेनी रेज आर देयर which is passing through it and we can't count those rays. ठीक है? So इसी तरह से आपका हंसना बहुत जरूरी होता है. इसी तरह से एक पॉइंट में से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स जो है वो पास करवा सकते. इनफाइनाइट मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट. नेक्स्ट देखो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन. अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, he says the point 3, 4 lies on the graph of this equation. अगर कोई पॉइंट किसी इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन. ठीक है? जैसे पेपर में पूछ लिया कि दीज फोर पॉइंट्स लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, उसमें से पूछा आगे ऑप्शन डालेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ए में भी 4 पॉइंट लिखे, बी में भी 4 पॉइंट लिखे, सी में भी 4 पॉइंट और डी में भी 4 पॉइंट. चारों पॉइंट्स को पुट कर करके चेक करोगे, 5 मिनट 10 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लग जाने हैं. उन्हीं पॉइंट्स को करेक्ट ऑप्शन में ले जाओ जो कि इसके ग्राफ पे लाई करते हैं. जिसको ये कॉन्सेप्ट आता है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में उसका एमसीक्यू करेक्ट हो जाएगा. जिसको नहीं आता 4 × 4 = 8 × 4 = 12 × 4 = 16 पॉइंट पुट करके देखेगा कि कौन से पास कर रहे हैं. जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है, किसी ने बोला कि दिस इक्वेशन, मैं रैंडमली कोई भी 4 पॉइंट लिख लेती हूँ, वैसे सोच के लिखने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. दिस इक्वेशन इज दीज पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है? इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. पहले 4 पॉइंट कुछ और लिखे हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर ये वाले लिखे हैं. विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट? वही जो ग्राफ पे लाई कर रहे हैं वही सॉल्यूशन होंगे. तो चारों यहाँ पे
सो 16 के 16 चेक करने नहीं बैठ जाना, जो ग्राफ पे लाई करते हैं वो क्या होंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, करेंगे हम चेक, हमने तो 16 के 16 चेक करके देखना है, क्योंकि हमें बाकी कुछ आता नहीं होगा तो टाइम तो पास करना ही होगा, नहीं जिसको नहीं आता होगा वो एक एक चेक करके देख लेना, बट इट इज द वे टू सेव योर टाइम दैट इफ द पॉइंट लाई ऑन द ग्राफ दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. साइड बाय साइड आई एम टेलिंग यू द ट्रिक्स ऑल दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. कहीं भी नो इंटरनल चॉइस विल बी देयर इन द पेपर, जबकि 10th के पेपर में उन्होंने बोला हुआ इंटरनल चॉइसेस है, 10th में भी स्कूल के पेपर में कभी चॉइस नहीं आती, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर 9th, नो चॉइस विल बी देयर. 40 मींस 40 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोस. 40 का मतलब 45 नहीं होगा, 40 ही होगा, और वो 40 के 40 सारे आपने अटेम्प्ट कर. क्यों चॉइस के पीछे भागते हो, हाँ ये क्यों नहीं सोचते कि हमें 40 के 40 आते होंगे. पैटर्न क्या, अच्छा पैटर्न पता लगाने के लिए ऐसी बातें पूछते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4th, कहानी सिट स्ट्रेट. धैर्य, यू आर आल्सो टॉकिंग इन बिटवीन, इट्स नॉट ए गुड हैबिट. बेटे जो चीजें आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं आजकल के दिनों में वो आपको किसी बुक में नहीं लिखी मिलेंगी, और वहीं से क्वेश्चंस बोल्ड होके आ जाने हैं, फिर देखते रहना इधर उधर. टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. एक सिटी में टोटल डिस्टेंस और टोटल फेयर के हिसाब से हम ये क्वेश्चन, मैं इसका MCQ पर आके दिखाऊंगी आपको कैसे बनता है. दिस इज द टोटल डिस्टेंस, दिस इज द टोटल फेयर. ऑटो पे जा रहे हैं सिटी में, टैक्सी है वैसे, ऑटो नहीं है, ठीक है, बस बस, ठीक है. तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो फिक्स है एंड इट इज गिवन टू बी ₹8. फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने बोला कि ₹8 आपके लगने ही लगने हैं, चाहे जो मर्जी कर लो. जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसके लिए उसने थोड़े से पैसे कम कर दिए, कहता है ₹5 पर किलोमीटर, ठीक है ना, ₹5 पर किलोमीटर. कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. दिस इज द टोटल डिस्टेंस आउट ऑफ विच फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8. टोटल डिस्टेंस एक्स में से 1 किलोमीटर का हिसाब किताब हो गया, व्हाट विल बी द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, एक्स माइनस सब्सिक्वेंट का मतलब होता है रिमेनिंग. सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मींस रिमेनिंग डिस्टेंस, एंड नाउ व्हाट विल बी द फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस, ₹5 पर किलोमीटर. तो ये टोटल किलोमीटर है, 5 पर किलोमीटर है, तो सब्सिक्वेंट का फेयर क्या होगा. सब्सिक्वेंट का मतलब मीनिंग होता है रिमेनिंग. जैसे मैं कहूँ आपके पास 10 टॉफीज हैं, बीच में से आपने 6 पा ली, तो व्हाट आर सब्सिक्वेंट, रिमेनिंग. सब्सिक्वेंट वर्ड इज रिमेनिंग. अरे बाहर ही चल दो बेटे, ट्रेन में बैठे हुए हम, विंडो सीट मिल गई हमें, तो बाहर क्यों ना देखें, है ना. 5 × x − 1, जब ट्रेन में बैठे होते हैं ना ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, पर दुनिया वहीं की वहीं खड़ी रहती है, हमें चलना पड़ता है, हम चलना ही नहीं चाहते, हमें लगता है कि बाहर वाले पेड़ पौधे चल रहे हैं, हमें चलने की जरूरत ही नहीं है, है ना. सो फेयर फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 5 × x − 1. ये है फर्स्ट किलोमीटर का फेयर, ये है रिमेनिंग का. टोटल फेयर कितना है, ₹5. तो जब मैं टोटल फेयर को कंस्ट्रक्ट करूंगी, टोटल फेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट किलोमीटर फेयर क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर दिस सिचुएशन. जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू, पहले इक्वेशन बनाओगे फिर जनरल फॉर्म. ऑप्शन आ सकते हैं y − 8 − 3 − 5x, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं. आप इसको सॉल्व करके जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल राइट द आंसर. सो ये मत सोचना बुक की हर चीज में से MCQ बन सकता है, हर चीज बिल्कुल आएंगे,
हर फॉर्म में से, उससे पूछो तो हर्षित सर बैठे हुए हैं वहां पे, यस। तो हर क्वेश्चन का हम एमसीक्यू कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है ना। हाँ 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 फॉर दिस मच डिस्टेंस हाउ मच फेयर विल बी देयर, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन यू विल बी हैविंग 5x प्लस, कॉपी बड़ी बड़ी रखी हुई है जी, 5x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, 5x माइनस y आएगा। नहीं तो फिर माइनस वन को अंदर रखो ना, वाई बार आएगा। यस, देखो उसने सही बोला, आप कह रहे हो ना माइनस आएगा, अगर हम माइनस भी लगाए ना नवनीत जी, नवनीत जी फिर भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, अंदर, देखो एमसीक्यू गलत होने के चांसेस है। स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछा है साहब, आप अपने क्वेश्चन का आंसर इसके अकॉर्डिंग दे। क्वेश्चन के मैंने एक और चीज आगे बढ़ा दी, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एवरी क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, यस, एनी कंफ्यूजन क्लास? हाँ, अब आज हम पीछे बैठ गए तो हम भी बातें कर लें, है ना, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, क्यों भाई पुरशान जी, चलो। यस, क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा आर टू फ्रेंड्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड एंड टोटल 100 रुपीज दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जितनी बेचारी की पॉकेट मनी उतनी करेगी, दोनों मिलके 100 रुपीज जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, x plus y is equal to 100. क्वेश्चन हो सकता है, if Yamini is paying 500, then the money paid by Fatima will be minus. If Yamini is paying 500, then how much money paid by Fatima? क्या ऑप्शन होगा? टोटल, तो ऑप्शन में ये डाला होगा, ऑप्शन ए 600, 700, 800 और नीचे लिखा होगा none of the above. ऐसे चीजें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। गौरव जी प्लीज थोड़ा सा ध्यान से रहना। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशल काइंड ऑफ लाइंस। टाइम देख लो आप, ठीक है ना, टाइम देख लो। स्पेशल टाइप ऑफ लाइन, सारी लाइन स्ट्रेट लाइन है जो कि टू वेरिएबल्स में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्ट्रेट लाइन। तो अब हम करेंगे उनमें से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लाइंस, लेट अस सी। स्पेशल टाइप ऑफ लाइंस, कुछ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं, कुछ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। कुछ बच्चे बात मान जाते हैं राघव जी, कुछ ढीठ होते हैं, ठीक है ना। कुछ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं, कुछ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस होती हैं। जो वाई एक्सिस के पैरेलल हैं वो राइट पे भी हो सकती है, लेफ्ट पे भी हो सकती है, और जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो अबव भी हो सकती है, बिलो भी हो सकती है। कौन कैसी कब होएगी, लेट अस सी। Suppose we are having x is equal to 4. I told you that जो lines होती हैं, अब बाद में आपसे बात करेंगे, x is equal to 4 जैसे line है हमारे पास, जब भी हमारे पास line x की term में होगी तो वो किसके parallel होगी, y x। अब it will be parallel to y axis at a distance of 4 units, right, at a distance of 4 units, and if it is minus 4
then it will be a line parallel to y-axis at a distance of minus 4. कौन बोल रहा है? Distance will be 4. Minus sign is indicating that line is on the left side. Negative direction. Bas. 9 is on the left direction. Negative sign shows that line will be in the left side. So, इसी तरह से आपके पास अगर x के फॉर्म में कोई भी लाइन हो, x is equal to 6, x is equal to 7, they all will be parallel to y-axis. And the constant will tell you the distance of the line from the y-axis. Then we have done the equation of lines which are parallel to x-axis, that is in the form of y. So you can have y is equal to 2. If we are talking about y is equal to 2, this is the equation of the line which is parallel to x-axis. Until or unless I'm not asking you to utter a word, now don't utter even a single word in my class. Last bench. Don't look here and there. मैं तेरे को आज वार्निंग दे रही हूँ, बार बार नहीं बोलूंगी. इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू 2. अब ये जो लाइन है वो y की फॉर्म में है, तो नेचुरली इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. नाउ द लाइन इट कैन अबव x एक्सिस, इट कैन बिलो x एक्सिस. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, इट विल बी अबव x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट. एंड इफ इट इज अ नेगेटिव कॉन्स्टेंट, then it will be below x-axis. Now, when this constant, which I am taking to be 4 and 2 in the other case, when this constant becomes 0, when this constant becomes 0, नेचुरली एक्स वाली लाइन है तो वाई एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए थी, बट क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, वाई एक्सिस से दूर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब जीरो डिस्टेंस पे है, तो इट विल बिकम वाई एक्सिस इटसेल्फ, नो डिस्टेंस. सो व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. वी विल कंटिन्यू टुमारो. जपजी इज देयर, जपजी डू सेंड द अटेंडेंस.